नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है सर्कल में, को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। लिखेंगे इसमें फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स इज कॉल्ड कोएक्सियल। फैमिली ऑफ सर्कल्स इज कॉल्ड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। Any two circles of this family have the same radical axis. Have the same radical axis. Coaxial system of circles क्या है? एक सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, अगर उनकी रेडिकल एक्सिस सेम हो, जैसे मान लीजिए दो सर्कल्स हैं, एस वन इज्कल टू जीरो, एस टू इज्कल टू जीरो, इनकी रेडिकल एक्सिस क्या होती है? कॉमन कॉर्ड, यही तो है ए बी। अब ए और बी से पास होने वाले कितने सर्कल्स होते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं। छोटा जी मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, ये ए बी पास होने वाली, ये S3 बना ली। अब बताओ S1 S2 की रेडिकल एक्सिस कौन सी है? ये लाइन AB है। S2 S3 की रेडिकल एक्सिस, S2 और S3 लेंगे तो तब भी यही आएगी AB, S1 S3 लेंगे तो तब भी यही आएगी AB। तो कोई भी दो सर्कल्स ले इस AB से पास होने वाले, जो भी इस पॉइंट A एंड B से पास होंगे, उन सभी की रेडिकल एक्सिस, इन सभी की रेडिकल एक्सिस क्या होगी? सेम लाइन ए बी ही रहेगी। तो इस तरह के ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। जो फैमिली ऑफ सर्कल्स में कहते थे, वही फैमिली ऑफ सर्कल्स ही है। अब यहाँ देखें, क्वेश्चन जनरली उस पर उसी टाइप से ही मिलते हैं, बस वर्ड से आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, मान लीजिए ये दो सर्कल्स हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये रेडिकल एक्सिस है किसी पॉइंट पी पे। अब इस लाइन को इस पॉइंट पी पे टच करने वाले जितने भी सर्कल्स हैं, अब आप S1 लो, ये S2 लो, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस भी यही लाइन है पी पे टेंजेंट। S1 S3 की भी रेडिकल एक्सिस यही है, S2 S3 के लिए भी यही है। तो इस पॉइंट पर इस लाइन को टच करने वाले जितने भी सर्कल्स हैं, उन सभी के लिए रेडिकल एक्सिस यही लाइन होगी। तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स में इस तरह के दो केस होते हैं, मतलब या तो सभी सर्कल्स टू फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहे होंगे, जैसे कि ए बी से पास हो रहे हैं, या फिर एक पॉइंट पर एक लाइन को, गिवन लाइन को टच कर रहे हो। और अगर आपको इसमें से कोई भी दो सर्कल्स मालूम है, तो आप किसी भी थर्ड सर्कल को क्या लिखोगे? अगर दो सर्कल हैं, एस वन प्लस एस टू इक्वल टू जीरो, तो थर्ड विल बी सेम एज फैमिली ऑफ सर्कल्स में जैसे लिखते थे, एस वन प्लस लैम्डा एस टू इक्वल टू जीरो। लिखेंगे इफ एनी टू सर्कल्स, If any two circles of coaxial system are S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0, then any circle of this system can be written as सर्कल ऑफ दिस सिस्टम, कोएक्सियल सिस्टम का कोई भी दूसरा सर्कल क्या लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज एस वन प्लस लैम्डा टाइम्स एस टू इज इक्वल टू जीरो। हो जाएगा, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग आएंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और कंडीशन एक और दी हुई होगी, उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
नोट कर लीजिए, ये लास्ट आर्टिकल है सर्कल में, क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें लास्ट टू क्वेश्चंस हमने किए थे, तो नंबरिंग क्वेश्चंस की मैं 3 लिख देता हूँ। फर्स्ट टू क्वेश्चंस लास्ट क्लास की नंबरिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट आर ड्रॉन, tangents are drawn to the circle tangents are drawn to the circle x square plus y square is equal to 12 at the points where it is met by the circle x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 is equal to 0. Find the point of intersection. Find the point of intersection of the tangents. Find the point of intersection of the tangents. बनाइए सभी लोग इस क्वेश्चन को, हो जाए तो बताइएगा। हाँ ठीक, हुआ 6, -18/5 सही है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रा कर रहे हैं, कहाँ पर? उन पॉइंट्स पर जहां पे ये सर्कल एक दूसरे सर्कल से इंटरसेक्ट हो रहा। मान लीजिए सर्कल पहला था S1 इक्वल टू 0, दूसरा है S2 इक्वल टू 0। तो इस S1 के इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां S1 और S2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो A और B पर S1 पे हम टेंजेंट्स ड्रा कर रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ को कैलकुलेट करना है। लेट अस ज़ूम दिस पॉइंट बी X1, Y1। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो AB लाइन है, ये क्या है? इस सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और यही ए बी लाइन इन दोनों सर्कल्स के लिए क्या है? कॉमन कॉर्ड है। तो हम एक लाइन की इक्वेशन दो तरीके से लिख पाए तो उन दोनों तरीके से लिखेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम बनाएं और उसको देखें। इफ यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू वेज, लाइक वन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वन इज कॉमन कॉर्ड हियर, ऐसे क्वेश्चंस आप आगे भी देखेंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी, और इम्पोर्टेंट है। तो ए बी ऐसे कॉमन कॉर्ड अगर मैं लिखता हूं यहां पर, तो क्या होगा इस क्वेश्चन? S1 - S2 = 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 5x - 3y - 12 + 2 - 10 = 0। ए बी ऐसे कॉमन कॉर्ड ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यही ए बी एस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह ए बी को लिखना हो मुझे पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगी क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो X X1, तो X X1 + Y Y1 = 12। अब ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -10 को उधर लिख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख लें 5x - 3y = 10, या -12 इधर ले। अब इक्वेट कर लें, सिंस 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन ए बी,
दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम हो। तो क्या करना है, 5/x1, x के कोएफिशिएंट का रेशियो 5/x1, y का कोएफिशिएंट का रेशियो -3/y1 इज इक्वल टू 10/12, ऐसे लिख लें। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x1 आ जाएगा, कैंसिल हुआ 2, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इससे मिल जाएगा y1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 बराबर -36/10, मतलब -18/5। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 6, -18/5, 6, -18/5, ठीक है, नोट करेंगे। कोई भी डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूँ, इसके बाद एक सर्कल x² + y² + 2ax + c² = 0 एंड x² + y² + 2by + c² = 0 टच ईच अदर देन प्रूव दैट 1/a² + 1/b² = 1/c². 1/a² + 1/b² = 1/c² बनाए जल्दी से। ये सर हो गया, हो गया। दो सर्कल्स टच कर रहे हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, या कोई भी बना लें आप, नहीं दिया हो तो हम लोग जनरली पहले इंटरनली बना लेते हैं, वैसे अगर दोनों अलग अलग आ रहे हो तो, और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हमें तो। सर हो गया, ये है ये 0-b, मान लीजिए सेंटर है ए और बी, तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस होनी चाहिए। तो आर वन रेडियस क्या है पहले वाले में, √g² + f² - c² और आर टू √b² - c², तो c1 c2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यहाँ ए बी मैंने लिख दिया, यहाँ पे c1 c2 लिखना चाहो तो बराबर होना चाहिए R1 + R2 और R1 - R2, वैसे दोनों से सेम ही आएगा। तो इसके C1 C2 के बीच की डिस्टेंस फॉर्म लगाइए √a² + b² √a² - c² + √b² - c² स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटाने के लिए a² + b², ठीक है, a + b का स्क्वायर लिखो या a - b का स्क्वायर लिखो, a² + b² + -2ab 2√a² - c² × √b² - c² ऐसा आता है, a² b² कैंसिल, -2c² LHS में लेके आओगे तो हो जाएगा 2c² बराबर +2√a² - c² √b² - c² 2 ये कैंसिल, फिर से स्क्वायर करेंगे c^4 = a² - c² + - दोनों का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ गया a² b² + c^4 - a² c² - b² c² c^4 कैंसिल,
इसको LHS मिला है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या? और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो ये टर्म मिल गया 1/B² प्लस 1/A² इज इक्वल टू 1/C², यही प्रूव करना था, ये था ना डिवाइड बाई। कोई प्रॉब्लम? देख लें सॉल्यूशन। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस सम ऑफ आर रेडियस आर डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियस होती है, तो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। फिफ्थ लिखेंगे, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल्स विच बाइसेक्ट्स दिस सर्कमफेरेंस, ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस विच बाइसेक्ट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस टू सर्कल्स। उस सर्कल के सेंटर का लोकस कैलकुलेट करना है जो इन दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। टू एक्स सर्कल माइनस सिक्स वाई पंद्रह लैम्बडा से माइनस लैम्बडा लैम्बडा नहीं आएगा, 2x माइनस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 ये आएगा आंसर। देखो ये एक सर्कल है s बराबर 0, ये दो सर्कल्स s1 के सर्कमफेरेंस को और s2 के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो कहा गया। तो लेट दिस सर्कल एस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, इसका लोकस निकालना। जैसे एच के का निकालते हैं तो उसको एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं, अभी यहाँ माइनस जी को एक्स और माइनस एफ को वाई से रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब जी को माइनस एक्स से और एफ को माइनस वाई से रिप्लेस करें। अब इसका एस वन सर्कल के साथ अगर हम कॉमन कॉर्ड कैलकुलेट करें, ये दो सर्कल्स हैं, पहले को लिख लेते हैं एस वन, सेकेंड को लिख लेते हैं एस टू, तो ये जो कॉर्ड है इसी के ऊपर फर्स्ट सर्कल इस सर्कल एस वन का सेंटर होगा, होगा क्या? क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है सर्कमफेरेंस। तो विथ एस वन कॉमन कॉर्ड ए बी इक्वेशन क्या लिखेंगे, एस माइनस एस वन इक्वल टू 0, एस माइनस एस वन कीजिए 2gx प्लस 2fy प्लस सी माइनस अप माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर जो है 0 0 इस ऑन इट 0 0 इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई सी प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब सी की वैल्यू आ गई माइनस 4। अब ऐसे ही सेकेंड सर्कल के साथ कॉमन कॉर्ड निकालिए और सेकेंड सर्कल का सेंटर, सेकेंड सर्कल का सेंटर क्या है 1-3 पे सेटिस्फाई करा दीजिए। विथ एस टू
कॉमन कॉर्ड, सीडी की इक्वेशन लिखे, क्या होगी उसकी इक्वेशन, एस माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो। एस माइनस एस टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर कैंसिल, फिर क्या बना, टू जी प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू एफ माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सी की वैल्यू मालूम है हमें माइनस फोर, और इसी के ऊपर कौन सा है सेंटर इसका, वन माइनस थ्री ईशान एट, इसमें इसको रख दीजिए, सेटिस्फाई कराइए, तो टू जी प्लस टू इंटू वन प्लस टू एफ माइनस सिक्स इंटू माइनस थ्री, सी की वैल्यू माइनस फोर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा टू जी माइनस सिक्स एफ प्लस एटीन प्लस टू ट्वेंटी माइनस फाइव प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। अब लोकस, देयरफॉर लोकस आप किसका लोकस है, माइनस जी माइनस एफ सेंटर का लोकस, तो उसको आपको रिप्लेस करना है एक्स वाई से, जी की जगह माइनस एक्स, तो आ गया माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो टू एक्स प्लस माइनस सिक्स वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा लोकस। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, नोट कर लीजिए, सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट कर रहा है तो कॉमन कॉर्ड जो है वही डायमीटर हो जाएगी। यहाँ से सॉल्यूशन देख ले, क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ circumference of circle x square plus y square plus 2y minus 3 is equal to 0 and touches the line and touches line x minus y is equal to 0 at origin। बनाइए इसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एट ओरिजिन। आया आंसर, क्या कहा जा रहा है इसमें, वो सर्कल की क्वेश्चन जो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो पर कहाँ टच करे, ओरिजिन पर, वो सर्कल की क्वेश्चन क्या लिखोगे बताओ, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो लिखोगे। बोलिए,
ये सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जो सर्कल है ये दूसरे सर्कल को क्या करता है, इसके सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। ये सर्कल इस सर्कल के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट सर्कल कॉमन कॉर्ड ऑफ वन एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कैलकुलेट कर लो। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे यही कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा माइनस टू मतलब माइनस लैम्डा प्लस टू इंटू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इस पर इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर कितना है, जीरो माइनस वन। सिंस जीरो माइनस वन इज ऑन इट, रख ले इसको, ये हो गया जीरो माइनस अप माइनस प्लस लैम्डा प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस फाइव। ये लैम्डा माइनस फाइव वापस इस इक्वेशन में रख दीजिए तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है सबको? सौमिल समझ में आ रहा है? यस सर। नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कोएक्सियल विथ एस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एस टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड सेंटर इज ऑन रेडिकल एक्सिस। और उनका सेंटर कहाँ पे हो, रेडिकल एक्सिस पे। वो सर्कल की इक्वेशन जो इन दोनों के साथ कोएक्सियल है और जिसका सेंटर रेडिकल एक्सिस पर है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या कहेंगे जो कोएक्सियल होता है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी या तो आप पहले इसमें टू से डिवाइड कर लो तो आपको एस वन माइनस एस टू से रेडिकल एक्सिस मिलेगी। एस वन माइनस डायरेक्ट एस टू करने से रेडिकल एक्सिस नहीं आएगी। रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए या तो पहले वाले में टू से मल्टीप्लाई करिए या सेकेंड वाले में टू से डिवाइड कर लीजिए। इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही कर सकते हो। और रिक्वायर्ड सर्कल तो एस वन प्लस लैमडा एस टू लिखना है। अब ये एस टू आप टू से डिवाइड करके ले सकते हो या बिना टू से डिवाइड किए भी ले सकते हो, आपके ऊपर। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस वन प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये ले लिया मैंने। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला ऑप्शन कितना होगा? हाँ बोलो सर। फोर एक्स स्क्वायर प्लस देखो ऐसे ही किया ना, एस वन प्लस लैम्डा एस टू इक्वल टू जीरो लिख करके। यस। अब ये देखिए लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर का ऑप्शन लिया, लैम्डा प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस टू माइनस टू लैमडा इंटू वाई प्लस वन माइनस थ्री बाई टू लैमडा इज इक्वल टू जीरो।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू वन माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस वन इंटू वाई प्लस वन माइनस थ्री अपॉन टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस टाइम्स ये जब करेंगे तो लैम्डा माइनस फोर अपॉन टू टाइम्स लैम्डा प्लस वन, ऐसे ही माइनस एफ लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये रेडिकल एक्सिस पे होगा। रेडिकल एक्सिस क्या है इन दोनों की, एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो। एस वन माइनस एस टू कीजिए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा फाइव एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये सेंटर रेडिकल एक्सिस पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो देयर फोर फाइव टाइम्स लैम्डा माइनस फोर अपॉन टू टाइम्स लैम्डा प्लस वन प्लस फोर टाइम्स लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लें लैम्डा प्लस वन, टू टाइम्स लैम्डा प्लस वन, तो ये आ गया फाइव लैम्डा माइनस ट्वेंटी प्लस एट लैम्डा माइनस एट प्लस फाइव लैम्डा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। आ गया एटीन लैम्डा इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री, तो लैम्डा बराबर ट्वेंटी थ्री अपॉन एटीन, ये लैम्डा की वैल्यू 23 अपॉन 18 इसमें रखेंगे तो वो फाइनल आंसर आ जाएगा, वो होगी सर्कल की इक्वेशन। ऐसे बनाना है आपको, देख लीजिए कोई डाउट है तो बताइए। और आपका जो सोल्यूशन था अगर यही था सेम तो सही है, और नहीं तो कैलकुलेशन अपनी मिस्टेक को देखिए कहाँ पे हुई है। तो क्वेश्चन है सेवन, नोट कर ले फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट, ये दो सर्कल दिया एस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू के वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू के एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये दो सर्कल क्या लिखा, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन फाइंड के, तो के की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो के की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो क्या कंडीशंस लगाएंगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी, कंडीशन होती है टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हो तो ये कंडीशन लगानी होती है। तो टू जी वन ये है, फर्स्ट सर्कल को आप टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी से कंपेयर करिए सी वन से, ऐसे ही दूसरे को कंपेयर कीजिए जी वन आ जाएगा यहाँ से कितना वन, क्या रखें टू इंटू वन
इंटू जी टू इधर से कितना आएगा के, टू एफ वन, एफ वन कितना होगा के, एफ टू कितना होगा वाई का कोएफिशिएंट जीरो है तो जीरो, सी वन प्लस सी टू, सी वन है सिक्स और सी टू है के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो हो गया जीरो, टू के बराबर के प्लस सिक्स, तो के की वैल्यू आ गई सिक्स। हाँ बताइए कोई प्रॉब्लम है, फॉर्मूला लगाना है बस आपको, टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, नेक्स्ट लगाएंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। Which cut the circle x square plus y square minus 12x minus 16y plus 100 is equal to 0 and lines xy is equal to 0 orthogonally. And the equation of circle which cut this circle and these lines x y is equal to 0 orthogonally. Lines x into y is equal to 0 में कौन कौन सी लाइन है, x बराबर जीरो एंड y बराबर जीरो, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो, तो लाइंस ऑर्थोगोनल है, सर्कल पे ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या होता है, लाइन पे परपेंडिकुलर मतलब वो नॉर्मल है, तो एक लाइन x बराबर जीरो y बराबर जीरो जब इस पे नॉर्मल है तो वो कहाँ से पास होंगी, सेंटर से, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सेंटर हो जाएगा सर्कल का, सेंटर क्या हो गया जीरो जीरो, लेट अस अज्यूम रेडियस आर है, तो इस सर्कल की क्वेश्चन क्या हो गई, देयरफॉर सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अब बस आर कैलकुलेट कर लीजिए आंसर आ जाएगा, इसके लिए एरिया है कि ये सर्कल इस सर्कल को भी ऑर्थोगोनली कट करता है, लगाइए इस पे कंडीशन और कैलकुलेट कीजिए, अब ये जो इक्वेशन बना है सेंस वन सर्कल वन कट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 100 इज इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो क्या है कंडीशन, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, तो इसमें g1 0 है, G2 माइनस सिक्स है, F1 जीरो है, F2 माइनस एट है, C1 आर स्क्वायर को एलिजिस हो जाओगे माइनस आर स्क्वायर है, C2 हंड्रेड है, ये देखिए जीरो जीरो हो गया, तो मतलब आर स्क्वायर बराबर आ गया हंड्रेड, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो सर्कल की क्वेश्चन आ गई, तो दैट रिक्वायर्ड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट पी tangents are drawn to circles x square plus y square plus x minus 3 is equal to 0 comma 3x square plus 3y square minus 5x plus 3y is equal to 0 and 4x square plus 4y square plus 8x plus 7y plus 9 is equal to 0
आर ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। पासिंग थ्रू पी passing through P and touching the line x plus y is equal to 5 at 6 comma minus 1 at the point 6 comma minus 1 banayenge sir। x square plus y square minus 7x plus 7y plus 12 equal to 0 minus 7x plus 7y my सही आ रहा है। और अब कांस्टेंट कितना बताया 12। ठीक है वेरी गुड। ये तो वो पॉइंट पी से तीनों सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। एक पॉइंट पी है जिससे तीनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। दो सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो तो वो रेडिकल एक्सिस पे होता है, और तीनों पे इक्वल हो तो मतलब उसका मतलब क्या है, वो रेडिकल सेंटर है। तो देयरफॉर क्लियरली पी शुड बी रेडिकल सेंटर। पी इज रेडिकल सेंटर। और रेडिकल सेंटर क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इसकी कोई भी दो की रेडिकल एक्सिस निकाल लीजिए, एस वन की एस टू की और एक निकाल लीजिए, और एस टू एस थ्री कैलकुलेट कीजिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रेडिकल सेंटर है। तो पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सेकेंड सर्कल में पहले थ्री से डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव अपन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो एस थ्री। थर्ड सर्कल फोर से डिवाइड कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन बाई फोर वाई प्लस नाइन अपान फोर इज इक्वल टू जीरो। तो एस वन और एस टू की रेडिकल एक्सिस निकाले, रेडिकल एक्सिस आप एस वन एंड एस टू, एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया है एट अपान थ्री एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सॉरी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया एक इक्वेशन। ऐसे ही रेडिकल एक्सिस आप एस टू एंड एस थ्री कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो एस टू माइनस एस थ्री इज इक्वल टू जीरो कितना आ जाएगा, माइनस इलेवन अपान थ्री एक्स माइनस थ्री अपान फोर वाई माइनस नाइन बाई फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो जो एक्स और वाई आएगा वही रेडिकल सेंटर है। ठीक है तो इसमें थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो, एक्स जीरो रखेंगे वाई आएगा माइनस थ्री, तो पॉइंट पी आ रहा है जीरो कामा माइनस थ्री, दैट इज रेडिकल सेंटर। अब क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पी एंड टचिंग दिस लाइन एट दिस पॉइंट। एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल की क्वेश्चन क्या लिखते हैं हम लोग, x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन बराबर जीरो लिखते हैं। ठीक है अब ये इसी पर ये पॉइंट पी है तो सेंस पी जीरो माइनस थ्री ईशान एक रखेंगे, एक्स यहाँ जीरो सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस फोर प्लस लैम्डा टाइम्स जीरो माइनस थ्री माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एट लैम्डा बराबर फोर्टी, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई फाइव।
ये लैम्डा की वैल्यू 5 यहाँ रख दीजिए, वही सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू 5 रखेंगे 5x प्लस 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर आ गया, नोट करेंगे। ये टॉपिक सर्कल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा, इस सर्कल का डिस्कशन मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक का डिस्कशन मैं अलग से कर लूँ, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो टॉपिक पढ़े उसका जो भी डिस्कशन रहेगा उसको वही रेगुलर क्लास में जैसे करते हैं वो करते रहें। तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें।